हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर डे। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, आज है होली और अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं, पूरा ग्रुप काइंड ऑफ होली फेस्ट है, हार्डी संधू आ रहा है, कुछ तो है। अभी जाके अंदर देखेंगे, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। अभी कितनी की एनर्जी कितनी देर तक बचती है पता नहीं। एक बस एक पार्टी मिसिंग है, मुथियाला जी मिसिंग है, मुथियाला जी विल बी कमिंग इन सम टाइम। हाँ जी, तो हमारा होली इवेंट यहीं पर पॉज हो गया। बेसिकली अंदर जाने के बाद इतना कुछ ध्यान में ही नहीं रहा, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मोटे ने थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया था वही मैंने डाल दिया। और सो बेसिकली दैट वॉज यस्टरडे एंड आज है छुट्टी और आज हम एक्सपो की रेस में वापस से जा रहे हैं। सो बेसिकली आई गेस मैंने पिछले वीडियोस में मेंशन किया था अबाउट येलो पासपोर्ट एंड वाइट पासपोर्ट। सो हमने भी येलो पासपोर्ट ले लिया है, हमें भी सो स्टैम्प करने हैं, हमें भी वाइट पासपोर्ट चाहिए, देखना है उस पर क्या है क्या। बिकॉज आई हर्ड के मतलब इट्स नॉट ब्लैंक पासपोर्ट देयर गिविंग, उसके अंदर कुछ रहेगा आई गेस, तो लेके ही पता चल पाएगा कि उसके अंदर क्या है। मोटा तैयार हो गया क्या? यूजुअल हम आज भी थोड़ा सा लेट हैं, टाइम हो गया है कुछ 1:45 एंड 2:15 पे हमारा फर्स्ट स्मार्ट क्यू बुकिंग है। अभी देखते हैं वो मिल पाएगा कि नहीं। सो वेलकम अगेन टू एक्सपो। ये डोर तीन जगह लगा हुआ है, तीनों डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पे। तो ये डोर की भी अपनी कोई खासियत है, ऐसे डिटेल में तो मुझे नहीं पता, बट ये मतलब वैसे लग रहा है स्टील का, बट ये स्टील का नहीं है, बट ये वायर्स का बना हुआ है, ऐसा कुछ तो है। अभी हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट, हमारे दो स्मार्ट क्यू तो बेसिकली निकल गए लग्जमबर्ग और कोलंबिया का। अभी 3 बजे यूएई का है, 10 मिनट हैं तो अभी छोटे पवेलियन थोड़ा घूम लेते हैं। मोजाम्बिक काफी इंटरेक्टिव बनाया गया है। लोग पोशाक पहन के फोटोज खिंचवा सकते हैं। खिंचवानी है तो लाइन में लगो, कहीं तो लाइन होगी। अभी मोटे की बारी आएगी, बड़ा तामझाम है इसमें। ये ऐसा कुछ दिखेगा मोटा, अभी बारी आएगी फिर देखते हैं। मोटा ये देख लो, हो गया आजा रखा है भाई। ये देखो यहाँ ये भी चल रहा है। चलो इधर तुम बैठो। अरे चलो बाहर चलेंगे। अरे यार मोटे, चल ठीक है। यूएई पवेलियन है सामने और ये लाइन लगी हुई है कहाँ से लेके कहाँ तक, बहुत लंबी लाइन है भाई। स्मार्ट क्यू इज अ ग्रेट हेल्प फॉर यूएई पवेलियन। मोटे कितनी लंबी लाइन है, पीछे लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इवन एंट्रेंस के बाद भी देर आर यू नो नंबर्स प्रोवाइडेड, देन यू हैव टू वेट फॉर योर कॉल, तब आपको एक्चुअल में एंट्री मिलेगी। और ये खुल रहे हैं अभी, इफ़ यू कैन सी, अभी बंद थे। बहुत स्लो ऑब्वियसली, वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा अभी तो हमें बैठना ही है, वेट ही करना है। एनीवे हमारा नंबर है 8 और अभी चल रहा है 2। वेट करना है अपनी टर्न के लिए, अंडर एंट्रेंस के लिए, तो जगह देख के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी पूरे खुल गए हैं फिंसेस के, बाज के। चलो ली नंबर 8 आ गया और अब हमारी हो रही है एंट्री। पूरी घुमा के वो आगे से कहीं से है। चलो इतनी वेटिंग और इतनी लंबी लाइन देखने के बाद ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है ये पवेलियन से कि अंदर ऐसा क्या ही है। असली है ये, असली की रेत ला के रखी है इन्होंने। इज इट रियल? यस इट इज। दैट्स व्हाई यू वांट यू आर सी वी हैव अ
रियल सैंड वाला काम तो खतरनाक ही किया। एक बंदा यहाँ परमानेंट लगा भी हुआ है क्लीनिंग के लिए, अभी पीछे देखा था मैंने, क्योंकि बार बार सैंड तो फिसल के आ जाती है ना, तो समवन इज कंटिन्यूसली कीपिंग इट अवे। हियर ऑन द प्रोजेक्शंस यू कैन सी द हिस्ट्री हाउ यूएई हैज डेवलप्ड ओवर टाइम। Some of the pictures, हर पिक्चर का डिस्क्रिप्शन राइट में, if you can see. नहीं. Now there is a show जिसके लिए वेट करना पड़ेगा 10 मिनट का, उसके बाद वो चालू होगा, तब तक हम क्यों में। काफी वेट के बाद खुला है यार, थक गए खड़े खड़े वहां बाहर। मोटा जी बैठने को मिला, ये सब सच्ची बात है। ये पूरा IMAX एक्सपीरियंस देंगे आज यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। मूवी से मूवी देख के निकल गए हैं बाहर, अभी थोड़ा ओपन एरिया है। You can see around, look around. That's how they do farming in the desert. Rainfall, cloud seeding, I guess. These are the nano-coated salt particles, जैसे cloud seeding होती है। So special about this car, जो लोग इसके आजू बाजू फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, electric car और ऑटो ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फी निसान की है, तो जीरो एमिशन, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोर और लेस, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। इज मोर ऑफ दी स्क्रीन्स शोइंग मोर डिटेल्स, और बीच में ये भी है, अभी ये क्या है ये फिगर आउट करेंगे आई गेस। ये कोई वो है, क्या बोलते मोटे, अरे अंतरिक्ष में जो जाता है, हमें नाम ही नहीं याद आ रहा, अरे जो ऑर्बिट करता है उसको कुछ बोलते हैं ना, सैटेलाइट, you're right, mars pe jo satellite gaya tha I guess wo hai, and whatever their contribution in that। that's it, khatam ho gaya hai, charo taraf ye open hai, yahan par jo bhi information thi humne dekh li, thodi bahut aapko dikha di। अभी बाहर की तरफ एग्जिट है, बाहर निकलेंगे यहाँ से, इम्पोर्टेंट पार्ट स्टैंप लगवाने के बाद। इस प्रकार से हमने यूएई पवेलियन देख लिया, मतलब इट्स गुड बट द वेटिंग इज लाइक टू मच एवरीवेयर। स्मार्ट क्यों नहीं हो तो, मतलब आपके 2-3 घंटे तो आराम से गए, स्मार्ट क्यों होने के बावजूद भी हमें अराउंड 40 मिनट्स लगे अंदर भी, जैसे वेटिंग है वो जो एक वीडियो वाला एक्सपीरियंस है उसमें वेटिंग है थोड़ा बहुत, टाइम काफ़ी लगता है यार। चलो तुम वेटिंग, वो लाइन कहाँ तक है जी, तो घूमते हुए हमें काफ़ी देर हो गई है। अभी हमने अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प्स काउंट किए, टोटल 91 स्टैम्प्स मोड़े ने लगवा लिए, अब आज नो और लगवाने 100 करके और फिर मोल्डोवा जाएगा ये। हाँ यू कैन चेक, तो बेसिकली आज हमारा टारगेट है कि 100 हो जाएं और हम वाइट पासपोर्ट आज लेके ही जाएं यहाँ से, सो लेट्स सी। क्योंकि अब क्या है, प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि बहुत सारे में जा चुके हैं बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐप में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, यू नो विजिटेड का कुछ ऑप्शन हो, सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन से अनविजिटेड हैं,
और वो मैप में अगर कुछ हाईलाइट हो जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं, सब मैनुअली ढूंढ ढूंढ के एक एक करके 100 पूरे करने पड़ेंगे। मोल्डोवा सो एंटीगुआ बारबुडा सेनेगल ग्रेनाडा एस्टोनिया सीम्स क्लोज्ड बट स्टैम्पिंग इज हैपनिंग मॉटाउ वन मॉटू like these all paintings are really made here by the kids. Djibouti, how do you pronounce it, man? Over there. यहाँ तो फोटो खिंचवानी पड़ेगी. Oh, you don't. Okay, you can't set. So, no point. Trinidad and Tobago. दिस इज द 100th वन थैंक यू दिव्या. वैसे तो 100 हो गए हैं बट सेफ साइड मोटा 5-7 एक्स्ट्रा और लगवा रहे हैं ना, वहाँ जाके दोबारा चक्कर नहीं काटने. विजिटर सेंटर जहाँ से यू एक्सचेंज फ्रॉम येलो टू वाइट जमैका. फाइनली हम बैठ गए एक जगह देख के कोना देख के और मोटा काउंटिंग कर रहा है कि कितने हो गए टोटल. सो बेसिकली अभी हम दोनों का काउंट मैच नहीं हो रहा है, मेरा 104 आ रहा है, मोटे का 102 आ रहा है, बट सेफ साइड एनी वेज. नाउ वी कैन हेड टू विजिटर सेंटर आई गेस एंड वी कैन रैप अप द डे वाल पासपोर्ट. यस विजिटर सेंटर 4 जो कि यहाँ पर है. सो ये देखिए वाइट पासपोर्ट लेने के लिए भी क्यू में लगना पड़ रहा है जी. फाइनली हमने ले लिया वाइट पासपोर्ट, ये देखो. पर अभी समझ नहीं आ रहा करना क्या, क्योंकि उसके अंदर भी पूरा खाली है, उसके अंदर वो स्टैम्प लगवाओ. मतलब हमने सुनी सुनाई सी बात है कि उसके अंदर ऑलरेडी स्टैम्प्स रहेंगे, हमने ऐसा सुना था. बट अभी लेने के बाद तो भाई वो एकदम खाली मिला, अभी उसको उसके ऊपर भी स्टैम्प लगवाएं, यही काम रह गया है क्या. एनी वे तो आज के दिन को करें क्या, मतलब स्टैंप लगवाने पड़ेंगे तो फिर करना क्या है उस, चलो उस पे भी लगवा लेंगे फिर क्या. एनीवे तो आज के दिन को यही रैप अप करके अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ.